राणा प्रताप की जेल से आज तक कोई नहीं भाग सका और जिसने भागने की कोशिश की वो इसी तरह पकड़ा गया और उसकी जन्म कुंडली में बजाय रिहाई के काल कोठरी का अंधेरा लिख दिया जाता है। आइए जेलर साहब आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, तशरीफ रखिए। आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। वो क्या है कि आपकी जेल में एक कैदी है, कल रात उसके भाई की बेटी की शादी है। उसके घर वालों ने मुझसे खास अर्जी की है कि उसे एक रात के लिए छोड़ दिया जाए, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप उसे एक रात के लिए पैरोल पर छोड़ दें। अगर आप जिम्मेदारी लें तो हम उसे एक रात के लिए छोड़ देंगे। उसका नाम जब्बर सिंह है। जब्बर सिंह वो तो खतरनाक मुजरिम है सर, और जेल से कई बार भागने की कोशिश की है उसने। कैदी तो हमेशा जेल से भागने की कोशिश करते ही रहते हैं, फिर भी हमें उनके घर वालों की भावनाओं को। जब्बर सिंह गली सड़ी गलियों का कीड़ा है सर। उसके माँ बाप कहाँ और फिर उसके रिश्तेदार कहाँ से आ गए। हमारे जेल के हर कैदी का इतिहास हमारे दिमाग में रहता है सर। लेकिन हम उसे रात भर छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। फैसला तो हम भी कर चुके हैं सर, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये मेरा हुक्म है जेलर। ये जेलर तो सिर्फ अपना हुक्म मानता है सर। राणा प्रताप, ये मत भूलिए कि हम जेल मंत्री भंडारी हैं। भंडारी, हमारी एक आवाज पर पूरा असेंबली हॉल हिल जाता है। हमारा हुक्म ना मानकर आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। हम तो फर्ज को सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हट धर्मी है। हट तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं, आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम। आपका हुक्म सर आंखों पर साहब। गुड, तुम्हारी तरक्की भी बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये लो, ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। इसकी क्या जरूरत है साहब, मुझे तो बस सरकार की दया दृष्टि चाहिए। देखो, ये काम आज रात को हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाएगा साहब, हो जाएगा। हाँ भाई सिंह, हमने तुम्हारा ये काम भी कर दिया। तुम्हें एक काम और करना है। बलवीर और अनवर के होते हुए अनाथ आश्रम को जलाना बड़ा मुश्किल है। फिर? और पुलिस को ऐसे दो आदमियों की तलाश है जो पुलिस की वर्दी पहनकर जनता को लूटते हैं। तुम एक काम करो, पुलिस को फोन करो कि ये दोनों वही दो हैं। हाँ यार सिंह, तुम दुखी बहुत करते हो। इसको फोन करो, उसको फोन करो, क्या है ये सब? घबराने की बात नहीं है यार, हो जाएगा। साला, अच्छा मन लगा के पढ़ना। नमस्ते नमस्ते। आदाब। हेलो, क्या हुजूर आपका हाथ आया थोड़ा? कैसे आना हुआ? तू जा बेटा, तू जा। बता क्या हुजूर ने पता नहीं क्या जादू कर दिया हुस्न बानो के ऊपर। कह रही थी कि बिना सरकार की मौजूदगी के मैं प्रोग्राम ही नहीं करूँ। और क्या क्या बोल रहे थे? अब क्या बताऊँ क्या क्या बोल रही थी। बता बता बता। कुछ यूँ कह रही थी कि अगर सुर वो है तो साज आप है, अगर गीत वो है तो गजल आप हैं, अगर नाज वो है तो नजाकत आप हैं, प्यार वो है तो मोहब्बत आप हैं, इश्क वो है तो ढिलकिया। मैं हुस्न बानो नहीं हूँ, मैं ढिलकिया। और क्या बोल रहे थे? ये कार्ड भेजा सरकार के लिए। मेरे लिए? अरे ये कैसा कार्ड है भाई? कुछ नहीं बोलू, बेचारे की नानी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शाम को मरने वाली है ना? नहीं। तो ये क्या उनके जनाजे में शामिल होने की दावत है क्या? बल 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 खोला नहीं। हुस्न बानो की कवाली का मुकाबला। बल बल बल। अबे 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 हुस्न बानो कौन है ये? हुस्न बानो यार। अरे कौन है ये? क्यों मजाक कर रहा है? तो ये तो मालूम है मैं म्यूजिकल आदमी हूँ। सारे गामा पादा नहीं। वो म्यूजिक में क्या बोलते हैं उसे? म्यूजिक में एक्सपर्ट हूँ, म्यूजिक में एक्सपर्ट हूँ। कहीं भी कवाली का कंपटीशन होता है ना, मुझे जज बनाकर बुला लेते हैं फैसला करने के लिए। साले मुझसे झूठ बोल रहा है। ये हुस्न बानो का साज और सुर। अबे कौन है ये हुस्न बानो? बता कौन है हुस्न बानो? बताओ बता बताओ बता ना बताओ बता। चलो यार बता ही देते हैं, तू भी क्या याद करेगा। हुस्न बानो मेरे दिल की धड़कन है, मेरी आंखों की ठंडक है, मेरा गुलाब जामुन है हुस्न बानो। अबे खबरदार, जो मुझसे पूछे बगैर किसी को दिल की धड़कन, आंखों की ठंडक, गुलाब जामुन या कुछ बनाया तो समझा। अरे छोड़ो यार, तू साला पारो के साथ बाथरूम में घूम घूम के चक्कर मारा था तो मुझसे पूछा क्या? वो सब मैं नहीं जानता। पहले तो हुस्न बानो को मुझे दिखा, उसे मिलवा, फिर मैं तुझे उसके बारे में सोचने दूंगा, समझा? चलो यार मिला ही देते हैं। हुस्न बानो तुम और हम आज की रात मिला हाथ। ये हुई ना बात। जी हम अंदर आ सकते हैं? हुजूर अंदर आकर आने की इजाजत मांग रहे हैं आप? जी ये हमारी तहजीब है हुजूर। अरे ये बलवीर साहब आप? ये तू इसे जानता है? जानता हूँ, अरे वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड, बचपन से जानता हूँ। मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर। क्या आप भी इसे जानती हैं? जी हाँ, जानती भी हूँ इनको और जलती भी हूँ इनसे। क्यों हुजूर, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप इनके ज्यादा करीब जो रहते हैं। ओह आप फिक्र मत कीजिए, अब इसको आपके इतने करीब ले आऊंगा कि आप चाहेंगे भी तो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। पकड़ लूं क्या? अबे साले जब देखो पकड़ने की बात करता है। लुट गया, मिट गया, कसम जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या बात है ढोलकिया, बहुत घबराए हुए हो आज। ढोलकिया की ढोलक बहुत बजने वाली है। अनवर भाई आप निकल लो वरना जूते पड़ेंगे आज। क्या बकवास कर रहे हो? साफ साफ बताओ क्या हुआ। आज कवाली नहीं होगी, साबरी ब्रदर्स नहीं आने वाले, उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? अरे साबरी ब्रदर्स नहीं आए तो क्या हुआ? हेफे ब्रदर्स जो है। ये हेफे ब्रदर्स क्या होता है? अरे नहीं समझा। हे मतलब हेरा, फे मतलब फेरी, हेरा फेरी ब्रदर। अरे ब्रदर एंड कंपनी, आप लोग मजाक कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी जान पे बनी है। अरे तुम फिक्र मत करो, मुकाबला जरूर होगा। मगर कैसे? अरे आपके अनवर मियाँ जो हैं, बहुत खानदानी कवाल है। नुसरत अली, फतेह अली, अकबर अली, सब इनके शागिर्द रह चुके हैं। क्या यार क्या बात कर रहे तू? नहीं मान भी जाइए, आपको हमारी जान की कसम। और एक बार फिर से कहिए। आपको हमारी जान की कसम। छोड़िए भी, मैं तैयार हो जाती हूँ, आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए। हुजूर आपके लिए तो ये हर वक्त तैयार हैं। यहाँ की कव्वाली तो कमाल की थी, लेकिन जेल की कव्वाली और भी कमाल की होगी। यू आर अंडर अरेस्ट। वक्त पर वापस आ जाना। भाई कौन है? ओ भाई साहब, अरे कौन है आप? क्या हुआ रे चिकू? खोल खोल खोल। अंकल साहब साहब, क्या बात? मुझे अनवर अंकल और बलवीर अंकल से मिलना है। ये कोई टाइम है मिलने का तुम्हारा? ये तो अपने मुन्ने की आवाज है। हाँ मुन्ना, ए मुन्ना। अंकल, अरे क्या हुआ? इधर आ अंकल। अरे मुन्ना क्या बात है? तू रो क्यों रहा है? क्या बात है? अरे कुछ बता तो सही, घबरा मत, बता क्या हुआ? अंकल अंकल, अनाथालय को किसी ने, क्या हुआ? बम से उड़ा दिया। बम से उड़ा दिया? बम से? अंदर। अरे अनवर, अरे अनवर क्या हुआ तुझे? अनवर 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 अनवर, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। अनवर, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, देखिए क्या हुआ इसे। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ इसे? लगता है इसे दिल का दौरा पड़ रहा है। हवलदार चाबी लाओ जल्दी। अनवर शिकन होता, आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? दरवाजा खोलिए, पानी मंगाइए और डॉक्टर को बुलाइए जल्दी से। रुक जाओ वरना। बाबा तुम्हें कुछ नहीं होगा, बाबा कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चों का ख्याल रखना तुम्हारे हवाले। समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को।